मैं आपको ऐसी शख्सियत मैडम से मिलाने वाला, माइंड ब्लोइंग, गुड लुकिंग और एक अच्छी एक्टर भी है। और आज के ज़माने में डिजिटल मीडिया है, लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएँ हैं, क्या क्या करते रहते हैं। तो मैम, आज हमारा ऑफिस का इंटरव्यू है, उसके बारे में आपकी क्या ब्लेसिंग है और बाकी आपके अच्छे फ्रेंड लोग भी हैं, इनके साथ आपका कैसे मतलब जो भी है मीडिया के हिसाब से, आप दो शब्द बोलिए। नमस्कार, मैं हूँ रोशनी सिंह। मैं हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी सब करती हूँ और मोस्टली भोजपुरी है। और आज ये नया प्रोडक्शन हाउस खुला है, सचिन आहूजा सर और नितिन सर, तो बहुत कांग्रेचुलेशन आपको कि आप बहुत आगे बढ़े और हमें भी काम दे। तो मैम, अभी आपका कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपका मार्केट में और क्या क्या आप कर रहे हैं? अभी तो मेरी रिलीज़ हुई है, पिछले साल रिलीज़ हुई थी जो बाबुल की गलियां, जो बहुत ही हिट हुई है। और अभी तू मेरी मैं तेरा रिलीज़ हुई है, एक हिंदी फिल्म है, वो भी अभी रिलीज़ होने वाली है, गंगा घाट। और हम सुरवंशम है ऑलरेडी सब रिलीज़ है। और भी वेब सीरीज़ भी है, मैं अभी दीपू श्रीवास्तव के साथ में कर रही हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन, एंड राजू श्रीवास्तव के साथ में भी किया था बट वो चले गए, बहुत दुख है इस बात का, पर ठीक है। सर, आज काफ़ी मीडिया से लोग भी आए हुए हैं और काफ़ी गेस्ट भी आए हुए हैं और काफ़ी आप पर चर्चा है मार्केट में कि आप नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और मैडम भी हैं, तो शब्द आप बोलिए मार्केट में कैसा कैसा क्या चल रहा है। और ऑफिस की ओपनिंग हो गई, रिवेन्यू मैडम ने कट कर दिया है, कुछ मैडम के बारे में, कुछ अपने बारे में। अपने बारे में तो क्या बोलूँ, कुछ है नहीं शब्द, इतने बड़े बड़े स्टार साथ में बैठे हुए हैं, बस यही चाहता हूँ टीम को साथ में लेके आगे बढ़ें और कुछ अच्छा मार्केट में करके दिखाएं, जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो बाकी है देखना, वो सब हम चाहते हैं मूवी के थ्रू हम दिखाना चाहें, बस। और अभी आज से आपकी शुरुआत तो हो गई, शुरुआत तो पूजा के दिन से ही आपकी शुरुआत हो गई थी। बिल्कुल। तो अभी कितनी जल्दी कैसा क्या क्या आपका क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट में भी एक द पप्पू मूवी जो है हमारी पोस्ट पे है, जो हम 2 महीने के अंदर रिलीज़ कर देंगे। बाकी 3 मूवियों का हमारी बातचीत चालू है, जहाँ तक 99% बस नेक्स्ट वीक से है, उसमें भी हम 2 मूवी के अंदर कम से कम काम चालू कर देंगे। नितिन साहब, मैं देख रहा हूँ सुबह से आप बहुत मुस्करा रहे हैं, बातचीत चालू है आपकी है, मुझे सभी हंसते हुए चेहरे नज़र आए आपके, आर्टिस्टों के भी सभी के। तो नितिन साहब, आप अपने आर्टिस्ट के बारे में, अपने पार्टनर हैं आप, तो एक ही है फैमिली है, तो कुछ 2 शब्द आप। रोशनी सिंह जी हैं, ठीक है, उनका काम अच्छा है, बढ़िया है, फिल्म में काम करते हैं अच्छी तरीके से। और सचिन है, पार्टनर हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े साथ में, तो अभी ये प्रोडक्शन हाउस चालू किया है तो उसको अभी आगे बढ़ाना है और अच्छे से प्रोग्रेस करना है। लोगों को जोड़ना है, वो किस तरीके से जोड़ेंगे आप? अभी लोगों को जो जोड़ना है, जैसे हमारे जो कॉन्टेक्स में हैं उनसे, बाकी जो नए जो अपने नए स्टार्कर्स जो हैं उनका टैलेंट देख के उनको फिर काम देंगे पिक्चर में। ठीक है, बात का यही है, आप सभी हमारी भी आपको बॉलीवुड न्यूज़ शुभकामनाएँ, थैंक यू सर। बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन चैनल अच्छी है, जो आज उनके सामने बैठे हैं और बॉलीवुड में ये चैनल काफ़ी टाइम से हैं, जो लोगों के मतलब जो प्रोग्रेस के अच्छे अच्छे जो न्यूज़ वगैरह जो है वो सब बताते हैं, अच्छे से क्रिएट होते हैं सब। और न्यूज़ चैनल का खूब खूब आभारी है कि वो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं
जिससे भाई हमारा काम आगे बढ़े। न्यूज़ चैनल ये तस्वीर जी आज मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे को मौका मिला उनके सामने बैठ के बात करने का। न्यूज़ चैनल सबकी हमारी जो बातें होती हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम कितने लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो न्यूज़ चैनल लोगों के घर घर तक पहुंचाते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं, धन्यवाद। न्यूज़ स्टेशन जिनके ऑनर बैठे हैं हमारे सामने, और हमारी इतनी नसीब हुई कि मैं इनके सामने बैठी हूँ, विजय तस्वीर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज बहुत सपोर्ट किया, और मैं चाहती हूँ उनका चैनल बहुत आसमान छुए और उसी तरह वो भी हमें सपोर्ट करे। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू।